सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। आज हम लोग यहाँ पर स्कूल सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा देखेंगे जो मैंने एमएस एक्सेस में डिज़ाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मास्टर एंट्री फॉर्म में चलते हैं। यहाँ मैं पहले आपको कैंसिल करके दिखा दूँ डाटा कितने, ये क्लासेज के डाटा हैं। रिलीजन में आप देखेंगे मैंने दो डाटा डाला हुआ है। कैटेगरी में आप देख सकते इतने डाटा हैं, क्लास में तो आपने देखा ही था। नेक्स्ट है आपका सेक्शन, ठीक है, ये सभी डाटा। अब इसमें मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूँगा नेक्स्ट सभी चीज़ें। तो हम लोग न्यू एंट्री करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग रिलीजन में ही चलते हैं, ठीक है। रिलीजन में हम लोग एक न्यू एंट्री करते हैं, न्यू, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ BAUDH बौद्ध, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, यस करूँगा, ओके, आप देखेंगे बौद्ध यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे अब करना है कि नहीं बौद्ध नहीं, इसका मतलब नेम जो है ठीक है बौद्ध हमें, लेकिन बुद्धिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, एडिट करूँगा। एडिट करके मैं क्या करूँगा, बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म। और मैं इसे अपडेट कर दूँगा, यहाँ पर अपडेट के लिए कह रहे हैं यस। तो आप देखेंगे यहाँ बुद्धिज्म जो है आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लास्ट पर क्लिक किया तो लास्ट पर रिकॉर्ड, फर्स्ट पर क्लिक किया तो फर्स्ट। इससे मैं आपको क्लास में दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ देखिए लास्ट फर्स्ट, और यहाँ इस तरह से आप इस लेकर, और यहाँ देखेंगे यू आर ऑलरेडी ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। यदि आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर हैं और ये प्रेस करें तो ये जो है एक एक करके आप नेक्स्ट आएगा और आपका वैल्यू भी वहाँ चेंज हो रहा है, यू आर ऑलरेडी ऑन लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपने न्यू भी देख लिया, एडिट भी देख लिया। अब मैं न्यू करके कैंसिल करता हूँ, वो भी काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडिट करके और कैंसिल करता हूँ, ये भी आपने देख लिया। अब मैं डिलीट करना दिखा देता हूँ। रिलीजन में जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धिज्म को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ एडिट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, और यहाँ से मैं यस, ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे वो डिलीट भी, यानी कि आपने यहाँ पे देखा एडिट डिलीट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सो रिकॉर्ड्स दिखा रहा था, न्यू करने पर यहाँ न्यू एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। एडिट करने पर एडिट या डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन लिखा हुआ, जैसे ही आप यहाँ चेंज करेंगे वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से डेवलप मास्टर एंट्री फॉर्म है। अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा स्कूल एंट्री फॉर्म। ये जो है इसमें भी आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यदि चेंज करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कंट्रोल कांट बी एडिटेड, इट इज बाउंड टू द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन यदि आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडिफाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूँ। यदि आप अपडेट करेंगे तो ये डिटेल्स अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद फिर आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैंने यस किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द अपडेट क्वेरी, यस करते हैं, ओके। यहाँ यूडाइज कोड जो है वो गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ठीक से नंबर्स नहीं आया था। अभी फ़िलहाल एंट्री मैं करूँगा तो एंट्री नहीं होगी, मैं पहले मॉडिफाई करता हूँ यूडाइज कोड 123321। अब मैं अपडेट करता हूँ, अब शायद ये हो जाना चाहिए 1, या वो इसने नहीं लिया क्योंकि नंबर्स का एक लिमिटेशन है और मैंने नंबर्स कुछ ज़्यादा ही दे दिए थे जिसके वजह से यूडाइज कोड अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अब यहाँ मैं मोबाइल नंबर अपडेट करके देखता हूँ, अभी तो खैर नहीं होगा, हाँ अभी नहीं होगा, पहले मुझे मॉडिफाई करना होगा डिटेल्स को। चलिए मैंने मॉडिफाई डिटेल्स किया, अब जो है मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। चलिए अपडेट डिटेल्स, यस, ओके, ठीक है, ये आपका अपडेट हो चुका है। आप चाहें तो इसके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं मैंने बाउंड और अनबाउंड दोनों का ऑप्शन लगाया हुआ है। बाउंड इसलिए ताकि डाटा आपका अच्छे से आ सके, और अनबाउंड करने के लिए पहले मॉडिफाइड डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ रहा है, फिर उसे हम लोग अनबाउंड करके डाटा डाल रहे हैं। डाटा डालने के बाद मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ SQL कमांड से, और अपडेट करने के बाद फिर से इसे बाउंड कर दे रहा हूँ जिससे आपका डाटा अच्छे से आ रहा है। चलिए ये दो बने हैं अभी तक, और इस फॉर्म पे अभी काम चल रहा है।
आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको उसके बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।